इस वीडियो में हम बीपीएससी टीईटी क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जो 26 अगस्त 2023 को हुआ है, बीपीएससी ने कंडक्ट कराया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आपका बुकलेट ए है, जिनकी भी बुकलेट ए है या और अदर कोई बुकलेट है तो उसके हिसाब से क्वेश्चन को आप मैच कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका जो जनरल स्टडीज़ के 40 क्वेश्चन है वो तो सेम रहेंगे, तो हमें देखिए फिर भी आपने जिसने मिलाया है तो एक बार और देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें 10 वर्ष पूर्व रमेश एवं राजीव की आयु का अनुपात 1:3 था, तो इसका आंसर है आपका 3:5। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, यदि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्टेशन के लिए चलता हूँ तो कहाँ पहुँचेगा? 6 किलोमीटर दूर पहुँच जाएगा, ये 6 किलोमीटर आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, पी और क्यू की औसत मासिक आय 5050 है, तो इसका आंसर आ गया आपका 4000। चलिए नेक्स्ट, पी का 30% क्यू के 40% में जोड़ दिया जाए तो आप बताना आपको क्यू पी का कितना परसेंट है, तो 75% है, यानी इसी आंसर है। चलिए नेक्स्ट, ए बी सी डी के बीच 2:4:3 के अनुपात में धन का वितरण किया जाना है, तो इसका आंसर आएगा आपका 2000। इसका एक नहीं हुआ लेकिन 2000 आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय बिक्री मूल्य पर 5% छूट देता है, तो अब इसको आपको बताना है कि इसके उस घड़ी का अंकित मूल्य कितना होगा, 1500 रुपये होगा। चलिए नेक्स्ट, 3 संख्याएँ 3:4:5 के अनुपात में है, तो आपको बताना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी, तो 39 है सबसे छोटी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यदि 2^2n-1 है तो इसमें तो बताना n का मान कितना है, तो n का मान होगा प्लस का 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है, तो फोटो डायोड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, तो किसी भी खंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होगा क्या, श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। चलिए नेक्स्ट, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, हम एथिलीन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य होती है, तो इनमें से कोई नहीं, इसका ई आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, लीची का एक खाद भाग है क्या, एरिल है। नेक्स्ट 14 है, आण्विक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया, तो ये विसरण होती है। नेक्स्ट चलते हैं 15, किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो जीन मानचित्रण कहलाती है। चलिए नेक्स्ट 16 का है, ब्रायोफाइट में बीजाणु मात्र कोशिका होती है तो अघुड़ित होती है। तो देखिए अगर किसी को इंग्लिश में अगर देखना है तो हमने एक SHT TGT की वीडियो अपलोड की हुई है, उसमें इंग्लिश में भी हमने कराया है, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए कोशिश करें कि कम से कम टाइम में आप तक ये पहुँचा दी जाए। चलिए TGT का गठन कब किया गया था, तो ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2010 को। चलिए नेक्स्ट, किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो चलाई है, तो कोलकाता ने चलाई थी, ई ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन समूह की बैठक हुई थी श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, इनमें से किसे राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक मिला, तो यह निर्जला जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास टॉम ऑफ सेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है, तो ये गीतांजलि जी ने जीता है। चलिए नेक्स्ट, 74वें गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि था, तो अब्दुल फतेह अल सीसी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23 है, बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है, तो ये दरभंगा बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट, बिहार में किसे GI टैग मिला है, तो मगही पान को मिला है, ये आंसर है। 25 का आप देखेंगे तो देखिए 4 क्या आगे आएगा, डेल्टा कंकर होती है बागर में, उसके बाद कायल तटीय मैदानों में, और मांड होता है आपका पंजाब का मैदान में, तो आपका बी आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट, कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती है, तो वेलसिरी नदी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, लिखापानी हिमनद भारत के किस राज्य में है, तो इनमें से कोई नहीं, ई आंसर है इसका। नेक्स्ट है, मगध और अंग का मैदान किसके हिस्से में है, तो निम्न गंगा के मैदान के हिस्से में है। नेक्स्ट है, जलप्रपात और नदी में कौन सा मैच नहीं करता है, तो ये धुआंधार गोदावरी ये मैच नहीं करता है, धुआंधार नर्मदा नदी पर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, इन शहरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है, तो इसका आंसर सी है। चलिए नेक्स्ट, कोशी परियोजना किन देशों की है, भारत और नेपाल की है। वो RL सिंह के वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु आपको बतानी है कैसी है, तो उपाद्र संक्रमणकालीन जलवायु है बिहार की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 23 है, पूर्ण स्वराज का सिद्धांत कब ग्रहित किया गया था? ये किया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। नेक्स्ट है 34 है, पंजाब में कूका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इनमें से एक से अधिक उद्देश्य थे इसके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 35। 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था? तो बी डी सावरकर थे। चलिए नेक्स्ट 36, भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित एसआईओ का प्रथम उदाहरण कौन सा है? तो चंपारण था ये आंसर है, बिहार और बंगाल। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 37 है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो ये था खाद्य एवं कृषि विभाग। क्वेश्चन नंबर 38, गांधी जी को चंपारण में आने का न्योता किसने दिया था? तो ये दिया था राजकुमार शुक्ल जी ने। 39 है, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया? तो 22 दिसंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 40 है, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। तो देखिए हमारे जीएस के 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आज डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट के क्वेश्चन, अब साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, इसमें ऊर्ध्वाधर फायरिंग के लिए सेट किए गए रॉकेट का वजन 50 किलोग्राम है, इसका आंसर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 है, 42 में केंद्रीय बल विभव का आंसर है आपका 2 की पावर ny2+1। चलिए नेक्स्ट है, द्रव्यमान m1 के प्रक्षेप्य और द्रव्यमान m2 के लक्ष्य के साथ इसका आंसर है आपका m1 m2। चलिए नेक्स्ट है, एक निश्चित समय के लिए किसी तरल पदार्थ के प्रवाह वेग का विश्लेषण एक अंतरिक्ष वक्र खींचा जाता है, तो इसका आंसर है संवेग वक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, दो बक्सों ए और बी में समान गैसों के अणुओं की संख्या समान है, तो इसका आंसर है आपका बी। चलिए नेक्स्ट, कौन सी प्लांक के कृष्णिका विकिरण वितरण को विशेषता नहीं है? तो ये पहला आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, दो समरूप रेखा छिद्रों द्वारा निर्मित एक व्यतिकरण प्ररूप में, तो इसका आंसर है आपका सी आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश, इसका आंसर है 0.3 मिलीमीटर, तो इसका बी आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में इसका आंसर है बी 45 डिग्री। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50 में आंसर है ए यानी कि 4.5 × 10^8 मीटर प्रति सेकेंड सेकेंड। चलिए जिसका ये हो गया, अब आते हैं 51 पे, तरंग समीकरण वाई बराबर 0.5 sin 2π/3.2, तो इसका आंसर है 20 हर्ट्स। चलिए नेक्स्ट, पहचानिए कि निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक समय परिवर्तित क्षेत्रों के लिए मैक्सवेल का समीकरण नहीं है? तो ये बी आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट, एक बाहरी स्थितिक चुंबकीय क्षेत्र में एक स्थिर पालक चालक में प्रेरित वोल्टेज तो चुंबकीय क्षेत्र के साथ चालक के कण पर निर्भर करता है, ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 54 है, 1 मीटर लंबाई की भुजाओं वाला एक समबाहु त्रिभुज के आकार का एक तार दाई ओर इंगित करते हुए, तो इसका आंसर है ई यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, बायो सावर्ट के नियम के हिसाब से आपको बताना है सत्य कथन कौन सा है? तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र तत्व की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, तो पहला बात ठीक है। बायो सावर्ट का नियम विद्युत क्षेत्र से संबंधित है, तो दूसरा गलत है। तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रभावित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, तो तीसरा भी ठीक है, तो पहला और तीसरा इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये 56 का आंसर है, आई का मान इसमें बताना है, तो इसमें आंसर है आपका 1A यानी कि सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, किसी समानांतर अनुनादी परिपथ के गुणवत्ता कारक के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो ये बताना है आपको। तो ये देखिए, ये इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं पता लगा था, तो इसका हम बता देंगे, या अगर आपको बता दो आप कमेंट करके बता सकते हैं, एक ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, प्रकाश विद्युत प्रयोग में सोडियम और टंगस्टन दोनों धातु इस टाइप का अगर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है ई आपका। चलिए नेक्स्ट, परमाणु वर्णक्रमीय रेखाओं की सूक्ष्म संरचना किससे उत्पन्न होती है? तो इलेक्ट्रॉन स्पिन कक्षा युग्मन से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रोटीन संख्या 84 और न्यूक्लियन संख्या 216 है एक परमाणु का एक नए तत्व में, तो इसका आंसर है प्रोटीन संख्या 82, न्यूक्लियन संख्या 212। चलिए नेक्स्ट का आपका इसका आंसर है ए, कौन सी सही नहीं है? तो ए सही नहीं है इसका, पाई की पावर प्लस एन ये। चलिए नेक्स्ट, दाता प्रकार की अशुद्धियाँ किसकी सामग्री हैं? तो ये अवर सारणी 5 की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है, एक एन प्रकार के अर्धचालक में फर्मी स्तर स्थित होता है कहाँ पे?
चालन बैंड के नीचे है। चलिए नेक्स्ट, एक तरंग दैर्ध्य दुष्टकारी की अधिकतम दक्षता होती है 40.6%। चलिए नेक्स्ट, मॉड्यूलेशनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए आयम मॉड्यूलेशन और आवर्ती मॉड्यूलेशन दो इसके आंसर हैं, यानी कि सही आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्रत्येक 10 डिग्री सी तापमान में वृद्धि के लिए पी एन जंक्शन की उत्पत्ति उत्क्रम संतृप्ति धारा में वृद्धि होगी कितनी, 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट है, अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम का क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो 1127.27 नैनोमीटर इसका ए आंसर है। चलिए नेक्स्ट, ZnFe2O4 सिपनेल के निर्माण में उच्च स्तरीय के एक रूपता उत्पन्न करने के लिए इसका आंसर है आपका सह अवक्षेपण विधि। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, डैश डैश एक क्रिस्टलीय ठोस की मूल दोहरावदार संरचना इकाई है किसकी, एकक सेल की। चलिए नेक्स्ट, सभी अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक वियोजन की प्रकृति क्या होती है, तो उपयुक्त में से एक सदिक इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, परमाणु नाभिक की त्रिज्या डैश डैश की कोटि में होती है तो 10^-13 सेमी। चलिए नेक्स्ट, परमाणु कक्षक क्या है, इलेक्ट्रॉन का एक वृत्ताकार पथ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है, दर समीकरण में जब अभिकारकों की सांद्रता एक होती है तो बराबर होती है क्या विशिष्ट दर स्थिरांक के, यानी कि ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अभिक्रिया 2A+B A2B में यदि A की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए तो B की सांद्रता आधी कर दी जाएगी तो अभिक्रिया की दर क्या होगी, 2 गुना कम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, एक पदार्थ A प्रथम कोटि की अभिक्रिया में विघटित होता तो इसका आंसर आपको है बताना है 53.72 इसका मिनट है। चलिए नेक्स्ट, मुख्य सेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें से एक से अधिक कथन ठीक है, डी आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन होता है, तो ये सक्रियण ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश रसायन किसके अध्ययन से संबंधित है, तो अभिक्रियाएं जो दृश्य या अल्ट्रावायलेट प्रकाश के अवशोषण के साथ आगे बढ़ती हैं, यानी कि सी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, स्तर उत्तेजित अवस्था से स्तर उत्तेजित अवस्था में एक अणु के विकिरण के उत्सर्जन के बिना संक्रमण जो पृथक्करण की ओर जाता है, इसका आंसर है पृथक्करण, यानी कि बी आंसर है। चलिए नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट के विलयन में Na2CO3 मिलाने पर क्या उत्पाद प्राप्त होगा, तो कॉपर कार्बोनेट सोडियम सल्फेट और CO2 प्राप्त होगा, सी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है, समान परमाणु त्रिज्या वाली युग्म क्या है, इसका सी आंसर है। चलिए नेक्स्ट, सोडियम नाइट्रोपुरोसाइड हाइड्रोइड का नाम क्या है, सोडियम पेंटा साइनो नाइट्रो सिल्फ्रेट, तो इसका ए आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है, एक पदार्थ एक्स का उपयोग सफेदीकरण में किया जाता है, तो इसका आंसर है सी ए ओ, यानी कि सी आंसर है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, अम्लीकृत परमैंगनेट विलयन वाले बीकर में धीरे धीरे तनु फेरस सल्फेट का विलयन डाला गया है, तो इसका आंसर है आपका KMnO4 एक ऑक्सीकारक है और FeSO4 एक ऑक्सीकरण करता है, तो ए आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है, डाइफेनिल मेथिन में एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से बदलने के लिए कितने संरचनात्मक समय भी संभव है, तो ये 4 संभव है। चलिए नेक्स्ट, कौन सा कथन सही है बताना आपको, तो देखिए इसमें पहला, इसमें कौन सा कथन सही है, लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश में संपर्क में रहने के कारण सिल्वर क्लोराइड धूसर हो जाता है, तो पहला क्यों धूसर हो जाता है, कि सिल्वर क्लोराइड के अपघटन के सिल्वर के निर्माण के कारण। दूसरा गलत है, तीसरा सही है, सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस अपघटन के कारण, तो पहला और तीसरा इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, तो फ्रेंड्स अभी जिन दोस्तों ने साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई नया नया चैनल अभी हम सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिले कि हम भी ज़्यादा से मेहनत करें, हमारी टीम भी अच्छे से फिर काम करें आगे के लिए, क्योंकि हमारी टीम का टारगेट है कि हम सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन फ्री में कराएंगे, किसी से कोई पैसा नहीं कुछ नहीं, बस आपको सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है कि कौन सा साखित बहुलक है, तो ये पॉलीएस्टर है, यानी बी आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा मोनोमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाते हैं, तो ग्लाइकिन प्लस अमीनो कैप्रोफिक एसिड है, तो भी आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट, इसको बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है, तो बढ़ते हुए क्रम में इसका आंसर ए है। चलिए नेक्स्ट, कौन सा कथन सही है इसका चयन करना है, तो शास्त्रीय विधियों की तुलना में स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधियों से में कम समय और नमूनों की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, तो ए इसका आंसर है। तो आपको देखना कम समय में अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर है 92, लगभग कितने सेंटीमीटर पर कार्बोनिल समूह तीव्र गिरावट का कारण बनेगा? तो 1700। चलिए नेक्स्ट, एक अनुपात एक मिश्रण से पैरा और आर्थोनाइट्रो फेनॉल को अलग करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? भाप आसवन का तरीका है। चलिए नेक्स्ट, उस यौगिक का पता लगाइए जो विशेष रूप से SN1 तंत्र द्वारा न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया से गुजरता है। तो बेंजोइक क्लोराइड है, ये आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 है, अधिकांश पाइटोफेगस नेमाटाइड हैं क्या है? ये है उत्तक परजीवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, अपशिष्ट जल और सीवेज के द्वितीय उपचार के उद्देश्यों में से एक है क्या? BOD का कम करना। चलिए नेक्स्ट है, अधिकांश बैक्टीरिया जो पौधों की बीमारियों का कारण बनते हैं वे किस समूह के सदस्य हैं? तो ये विपरीत में से एक से अधिक के सदस्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पौष्टिक रूप से अल्बुगो है क्या है? अनिवार्य परजीवी। चलिए 99 क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना था। ये इसमें देखिए, कंपोजिटों में बड़े फूल और बीज वाले पेड़ पाए जाते हैं, तो ये गलत है। तो ये सी है, इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट, हमारे देश में प्रमुख बासमती चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन में हमारे उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 है, सोमाक्लोन क्या है? तो सोमाक्लोन जो पौधे जो रासायनिक रूप से स्रोत पौधे के समान होते हैं तो उसे कहते हैं सोमाक्लोन, सेम मतलब क्लोन होता है वो। चलिए नेक्स्ट 102 है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो पॉलीसोम है। नेक्स्ट 103, सक्रिय परिवहन सांद्रण परिवर्तक के विरुद्ध होता है और इसमें ATP की आवश्यकता होती है, तो इसका ए आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 है, भारत के किस राज्य में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं? तो ये निचले इन स्टेटों में ये मिलते हैं, तो इसका तमिलनाडु आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ओजोन छिद्र का अर्थ है? तो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 है, मूंगफली का तेल प्राप्त होता है कहाँ से? अर्चिस हाइपोगेसियस है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, भोजन का वह घटक जो हमारे शरीर को, हमारे मतलब इंसानों की, कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता। तो भाई हम चारा तो खाते नहीं है, तो जानवरों के लिए होता है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 है, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो इसमें कई चीज़ें होती हैं, तो ये एक से अधिक हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है, मेंडलीय वंशगति सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस लेने की दर क्या होगी? सांस लेने की दर बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 है, मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? तो कौन सा है? पैराथायराइड हार्मोन्स। तनाव के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से किससे संचालित होती है? तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है। चलिए नेक्स्ट है, साइमेक्स हेमिप्टेरस निम्नलिखित में से किस परजीवी पर होता है? तो मनुष्य पर ही होता है, इसको हम कहते हैं खटवाल। चलिए नेक्स्ट, कौन सा एक मानव रक्त पर्णकर्मी है? तो ये कौन सा है? सिस्टोसोमा मेन्सोनी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 है, चूजे का भ्रूणीय श्वसन अंग कौन सा है? तो इसमें से एक से अधिक आंसर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी स्थिति बुढ़ापे को दर्शाती है? तो जब आपके अंदर उपचयन का बढ़ जाएगा, उपचय बढ़ जाएगा, तो आपको समझ लो कि बुढ़ापा आना स्टार्ट हो गया। मैसेज अभी तो नहीं आएगा, कुछ टाइम तो मिलेगा। नेक्स्ट है 118 नंबर, कुछ जंतु वर्गों में शरीर खंडों में विभाजित होता है, तो इसका आंसर क्या है? आपका विखंडन है। चलिए नेक्स्ट है 119 क्वेश्चन, क्रिस्टेशिया वर्गों के अधिकांश भाग में निम्नलिखित में से कौन सा लार्वा पाया जाता है? तो यह नॉप्लियस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 है, ओपरिन के अनुसार पृथ्वी के आदिम वातावरण में क्या उपलब्ध नहीं है? था मतलब क्या उपलब्ध नहीं था? ऑक्सीजन नहीं था, बाद में आया है। चलिए फ्रेंड्स, ये हमने 120 क्वेश्चन में डिस्कस करे ओनली 20 मिनट्स में, तो जिससे कि आपको देखिए कम टाइम आपका बर्बाद हुआ और आपका एक आंसर की भी चेक हो गई, क्योंकि इस आंसर को बनाने में हमारी टीम को भी काफ़ी मेहनत लगी और इसमें भी एक आंसर अभी भी नहीं मिला है। तो उसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर उसका जब फाइनल आंसर क्या है तभी पता लगेगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर दो यार, क्या जा रहा है आपका सब्सक्राइब करने में। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।